ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के उत्थान के लिए सोचते हैं और समाज के उत्थान के लिए ही काम करते हैं। आपने महाभारत की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें कुंती के आग्रह पर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल कुंती को दान कर दिए थे। लेकिन आज के इस दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो समाज के उत्थान और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसा ही काम किया है गाडरवारा के गोविंद स्थापक ने, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपना घर ही दान कर दिया। पेशे से शिक्षक रहे गोविंद स्थापक ने ब्राह्मण महासभा की बैठक में अपने घर को समाज के उत्थान के लिए दान कर दिया। आपको बता दें कि ये घर बेहद पुराना है और इस घर में एक चमत्कारी शिव मंदिर भी है, जिसकी देखरेख और पूजा पाठ के लिए ये घर ब्राह्मण महासभा को दान किया गया है। मेरी जितनी सामर्थ्य मैंने भगवान भोलेनाथ की कोशिश, मेरा एक बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इंदौर में, उसकी खुद की कंपनी है, 25 लोग काम करते हैं। मेरी बच्ची वर्ग एक में शासकीय आवासीय विद्यालय भोपाल में कार्यरत है, मेरे दामाद इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के साधारण शिक्षक थे, चमरपाठा में वो 20-22 साल रहे। और आदरणीय जोशी जी ने जो बताया, इनके पिताजी का अपॉइंटमेंट उस समय जब हमारे पिताजी हेडमास्टर थे तब वो चमरपाठा में थे जी, तो वो किशोरीलाल पालीवाल की एक कमरा में रहते थे, हम बहुत छोटे थे, प्राइमरी स्कूल पढ़ते होंगे जी। वो खाना बनाते थे और हम उनके घर में जाकर कमरा में जाकर बैठ जाते। आज तक वो हमें जब भी मिलते थे हमारे पूरे परिवार से बहुत अच्छे वाकिफ थे, मेरे ऊपर उनका बहुत स्नेह। हमारे पिताजी वाकई आज के इस दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर समाज के बारे में सोचते हैं और लोगों को एक नई प्रेरणा दे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज़।